सो हेलो गाइज, तो आप जिस वीडियो को स्टार्टिंग में देखें, अगर आपको भी कुछ इस प्रकार से अपना फोटो लगा करके ऐसा स्टेटस वीडियो बनाना है तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन। और यार आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज़ यार आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम पहले से ही काइन मास्टर को ओपन करके रखे हैं। अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो इसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, डाउनलोड कर लेने के बाद प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, 9 और 16 का रेशो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको सेटिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। एडिटिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, डिफॉल्ट ड्यूरेशन ऑफ ए फोटो क्लिक, ठीक है, इसको आपको 0.5 सेकंड कर लेना होगा कुछ इस प्रकार से। और यहाँ से आपको फिल स्क्रीन पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ से अप डाउन पे क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ से आपको एक बैकग्राउंड वीडियो को ऐड कर लेना होगा, उसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम पहले से ही डाउनलोड करके रखे हैं तो चलिए हम उस वीडियो को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम उस वीडियो को ऐड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से जो जो फोटो लगाना चाहते हैं आप यहाँ से 4 फोटो को ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम 4 फोटो को ऐड करके आपको दिखा देते हैं। तो हम यहाँ से अपने 4 फोटो को ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे चले आएंगे, लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मीडिया वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको साउंड वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम पहले से डाउनलोड करके रखे हैं तो उस वीडियो को हम ऐड कर लेंगे। और यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक्सट्रेस ऑडियो। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसका साउंड बाहर निकल करके आ जाएगा, अब इस वीडियो का कोई काम नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ से डिलीट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके हम इस वीडियो को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते होंगे कि साउंड बाहर निकल करके आ गया है। ठीक है, तो हम यहाँ से फर्स्ट फोटो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा क्लिप ग्राफिक। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको कॉल मी डीजे वाला इफेक्ट को इंस्टॉल कर लेना होगा। कैसे किया जाता है, इस पर एक वीडियो बना करके अपलोड कर दिए हैं, आप उस वीडियो को देख करके कॉल मी डीजे वाला इफेक्ट इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने काइन मास्टर में। ठीक है, तो हम पहले से इंस्टॉल करके रखे हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक नंबर वाला इफेक्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आपके फोटो में कुछ इस प्रकार से एनिमेशन आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से हम डन पे क्लिक कर देंगे, फिर हम सेकेंड फोटो पे क्लिक करेंगे, क्लिप ग्राफिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉल मी डीजे वाला इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक नंबर वाला इफेक्ट लगा लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से डन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर हम अगला फोटो पे क्लिक करेंगे, क्लिप ग्राफिक पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से कॉल मी डीजे वाला पे, ठीक है, और यहाँ से एक नंबर वाला इफेक्ट लगा लेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ से डन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर हम अगले फोटो पे क्लिक करेंगे, क्लिप ग्राफिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉल मी डीजे वाला इफेक्ट पे, ठीक है, और एक नंबर वाला इफेक्ट लगा लेना होगा, फिर यहाँ से आपको डन पे क्लिक कर देना होगा। ठीक है, तो आपके सभी फोटो में एनिमेशन लग जाएगा कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते होंगे। इतना हो जाने के बाद फिर आप साउंड पे क्लिक कीजिएगा और इसके इन पॉइंट पे चले आइएगा। ठीक है, और जो भी हमारा फोटो एक्स्ट्रा है हम इसको हम इक्वल भाग में कटिंग कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते होंगे कि इक्वल भाग में कटिंग हो गया। ठीक है, फिर हम यहाँ से डन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे चले आएंगे कुछ इस प्रकार से और इस वीडियो पे क्लिक करेंगे और इसके इन पॉइंट पे चले आएंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, फिर आप यहाँ से डन पे क्लिक कर दीजिएगा और यहीं से लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, मीडिया वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आपको एक लाइटिंग इफेक्ट वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेना होगा, उसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम उस वीडियो को डाउनलोड करके रखे हैं तो चलिए हम उस वीडियो को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम उस वीडियो को ऐड कर लिए। ठीक है, तो इसको कुछ इस प्रकार से हम रोटेट कर लेंगे। ठीक है, और इसको फुल स्क्रीन में कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, आप भी कर लीजिएगा फुल स्क्रीन में। ठीक है, फुल स्क्रीन में हो जाने के बाद आप यहाँ से साउंड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से आप इसको म्यूट कर लीजिएगा, फिर यहाँ से बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, नीचे आइएगा ब्लेंडिंग के ऑप्शन में। ठीक है, ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको स्क्रीन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, फिर यहाँ से आप डन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद फिर आप इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे चले आइएगा कुछ इस प्रकार से, फिर यहीं से लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, मीडिया वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आपको एक बॉर्डर पीएनजी को ऐड कर लेना होगा, उसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम पहले से डाउनलोड करके रखे हैं तो चलिए हम उस बॉर्डर पीएनजी को ऐड करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बॉर्डर पीएनजी। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करके हम इसको ऐड कर लेंगे और इसका साइज आपको फुल साइज में कर लेना होगा, जितना वीडियो का साइज रखना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम इसको फुल साइज में कर लिए और इसको फुल स्क्रीन में कर देना होगा। ठीक है, तो स्क्रीन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे,
फिर यहाँ से बैक वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे ब्लेंडिंग का ऑप्शन पे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको स्क्रीन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। फिर आप यहाँ से डन पे क्लिक कर लीजिएगा। तो हमारा जो वीडियो जो कि बन के तैयार हो गया है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से प्ले करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। वीडियो बन जाने के बाद सेव और शेयर करने के लिए सिंपली आप यहाँ से एरो वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपने वीडियो क्वालिटी को फुल कर लीजिएगा और यहाँ से एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।